अंबाला की नारायणगढ़ में अंत्योदय उत्थान मेले का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, जहां 18 विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया व इस मौके पर लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना का शुभारंभ भी किया। इस योजना के तहत सरकारी सहायता प्रदान करने वाले 100 परिवारों पर 5-5 स्वयं सेवकों या रिटायर्ड लोगों को सारथी के तौर पर लगाया जाएगा, ताकि कोई अपना काम बीच में ना छोड़े और अपना रोजगार आगे बढ़ाए। हमने आज भी तय किया कि नहीं, हरियाणा के सब परिवारों का डाटा इकट्ठा करेंगे, परिवार पहचान पत्र में सर्वे कराएंगे, कौन क्या कमाता है, क्या काम करता है, कितनी पढ़ाई है उसकी, परिवार के सदस्यों की जरूरतें क्या हैं, और वो परिवार क्षमतावान है तो वो समाज का भला कैसे कर सकता है, ये भी उसमें हम जानकारियां ले रहे हैं। बहुत परिवार है, संपन्न परिवार है, कहते टाइम काटने से कटता नहीं है, क्या करें, खाली बैठे बोर होते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। हम कहते नहीं, उस समय को समाज सेवा के लिए लगाओ, जैसे हमारे सुमन जी लगाते हैं, गौशाला में लगे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और काम चाहिए, ऐसे लोग भी हैं। तो इसलिए इन लोगों की पहचान इसके माध्यम से करते हैं और फिर इन स्कीमों का लाभ उनको अब चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। नारायणगढ़ में आयोजित अंत्योदय उत्थान मेले में 18 विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए, जिसका मुख्यमंत्री ने अवलोकन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार का मकसद बीपीएल परिवारों को एपीएल में लाना है। लोगों के पास टैलेंट है, लेकिन पैसा या सही जानकारी न होने से वे इसका सही उपयोग नहीं कर पाते, जिसमें सरकार मदद कर रही है। इतनी संख्या बीपीएल की है, जो हमें कुछ अगली बार 2-4% बढ़ा के ले जाते हैं बीपीएल, उनको ये समझ में नहीं आता कि बदनामी कराने जा रहे हो। बीपीएल बढ़ेंगे और सरकार के सामने पेश करेंगे तो इसका मतलब अपनी कमी बता रहे हो आप। हम तो अपने बीपीएल परिवारों की संख्या कम करके एपीएल परिवारों की संख्या बढ़ाएंगे, तब हमारी जीत है। मित्रों, इस योजनाओं में बहुत लोग लाभ ले रहे हैं और इसमें सरकार ही नहीं, संस्थाएं आगे आई है, कंपनीज आगे आई है, और मैं तो जनता के साधारण व्यक्ति, जो कोई अपना घर का काम करता है, वो जिसके पास काम नहीं है उसको बुला करके उसको भी काम कराओ, काम कराओ उसको, ताकि उसको कमाई हो जाए। एक नई योजना हम लेके आ रहे हैं, जिसमें जो हमारे पुराने पुराने ऐसे अनुभवी लोग, पढ़े लिखे नहीं होंगे, सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छे अनुभवी काम करने वाले लोग हैं, कोई अच्छा कारपेंटर है, कोई अच्छा सुनार है, कोई अच्छा बाल काटने वाला आदमी है, हम उनको कहेंगे कि आप भी 5 बच्चों को अपने से बढ़िया बना के दिखाओ या अपने जैसा बना के दिखाओ, हमारी यूनिवर्सिटी जो है उसको सर्टिफिकेट देगी। यूक्रेन में फंसे छात्रों को ऑपरेशन गंगा के जरिए भारत सकुशल वापस लाया गया है, जिसमें हरियाणा के छात्र भी बड़ी संख्या में हैं। अंबाला के छात्र भी सकुशल वापस लौटे हैं, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर उनका धन्यवाद किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।